एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में और आज का ब्लॉग माँ भगवान के दर्शन से। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए नरसिंह भगवान के। और हनुमान जयंती थी उस दिन, उनका जन्मदिन था, तो हम लोग गए हुए थे मंदिर, क्योंकि कभी कभी मंदिर जाना ठीक रहता है। जैसे रोज़ तो नहीं जा पाते हैं क्योंकि पतिदेव को भी टाइम नहीं होता है, बच्चों के स्कूल वगैरह, तो रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हैं। लेकिन कभी जब भी हम लोगों को मौका लगता है तो हम लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ना जाएं। तो जब भी मौका लगा चले जाते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं। उसके बाद हम लोग मंदिर में आए हुए थे, सॉरी दुकान पे आए हुए थे। तो एक्चुअली ना मुझे रामायण ख़रीदनी थी क्योंकि घर में रामायण नहीं थी और घर में रामायण होनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि इनके हनुमान जी के जन्मदिन से बेहतर कोई दिन नहीं रहेगा रामायण को लेने का, यानी कि राम को घर ले चलते हैं। तो यहाँ पे मैं राम को घर ले जाने के लिए आई हुई थी। तो लेकिन यहाँ पे ना रामायण बहुत महंगी दे रहे थे बाकी की शॉप से। पापा से पूछा था तो वो कह रहे थे इतनी की नहीं आती है। तो पतिदेव बोले चलो दूसरी जगह चलते हैं, उनको भी महंगी लग रही थी पतिदेव को। तो फिर दूसरी शॉप पे गए हुए थे हम लोग और चंदा मामा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग गायत्री मंदिर है वहाँ पे गए थे, तो 330 रुपये में रामायण मिल गई थी, तो अच्छी थी। और दिखाऊंगी मैं भी आप लोगों को, हलवा बनाया था पतिदेव ने, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। इसके बाद में करेले की सब्ज़ी बना रही थी लेकिन वीडियो शूट करना भूल गई नेक्स्ट, क्योंकि फोन आ गया था। और फिर हम लोग शाम में गए हुए थे मार्केट। तो यहाँ पे फालूदा आइसक्रीम खा रहे थे बच्चे, मुझे पसंद नहीं है तो मैंने नहीं खाई थी, बच्चों को पसंद है तो बच्चे खा रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी लोग खा रहे थे, ऐसा नहीं है कि बच्चे बस खा रहे थे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो बच्चे खाते ही हैं आइसक्रीम, के सभी को पसंद होती है लेकिन मुझे दूसरी पसंद है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है सोमवार, हेयर वॉश किया था और पूरी मांग भरी हुई है। ब्लाउज कोई पहना है, साड़ी कोई पहना है, कोई भी मैचिंग नहीं है ज़रा भी। यहाँ पे पुआ रखा है भैया का, तो उसको दिया हुआ था, उसने थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा नहीं खाया। खाना वगैरह सारा कुछ बन चुका है और ये अभी निकल चुके हैं कहीं के लिए, मतलब कोर्ट के लिए निकल गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा यहीं पे काम हो, इसके बाद फिर जाएंगे कोर्ट। तो मैं फ्री हो चुकी हूँ एकदम नहीं हुई हूँ। किचन साफ करनी है, कपड़े सुखाने डालना है, बर्तन वॉश करने हैं, मुझे खुद नाश्ता करना है, उसके बाद फिर 12-1 बजे तक खाना खाऊंगी मैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं भूख नहीं हूँ। आज बनाए मठे वाले आलू, तो रेसिपी कोई भी अभी नहीं शेयर की है क्योंकि मठे वाले आलू पिछली बार शेयर कर दिए थे, बार बार एक ही रेसिपी क्या शेयर करूँ। इसीलिए सब्जी रोटी बन चुकी है और शाम में देखते हैं क्या बनाती हूँ, अभी फ़िलहाल सोचा नहीं है क्योंकि अभी से क्या सोचना, शाम को बच्चों से पूछूँगी। और मैंने कहा चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। भैया को देख रही हूँ बार बार कि कहाँ गया है, क्योंकि बाहर निकल गया है वो अभी, और धूप बहुत ज़्यादा होने लगी ना इसलिए, तो लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, इसलिए मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। सो मैचिंग पे मत जाइएगा कि ब्लाउज को ही है, साड़ी को ही है। इस वाली ब्लाउज का ना, सॉरी साड़ी का ना, ब्लाउज में हुक नहीं लगे हैं अभी, तो हुक आज लगाऊंगी, मंगलसूत्र टूट गया था तो कल भाभी का पहन के आई हूँ, देखो अभी उसको मैं सही कर लूँगी, फिर उसके बाद पहनूंगी उसको अपने वाले को। सो चलो मैं किचन वगैरह साफ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे आप लोग रामायण के दर्शन कर लीजिए और मुझे राम जी को घर लाने के लिए रामायण से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं लगा कि इससे अच्छा कोई ऑप्शन होगा मेरे लिए, तो मुझे यही अच्छा लगा, ठीक लगा, तो मैं इसी को ले आई हूँ। क्योंकि बच्चे भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो अपनी संस्कृति के पास में रहेंगे, आजकल वैसे भी बच्चे पूजा पाठ से दूर ही रहने लगे हैं, तो थोड़ा सा जब घर का माहौल अच्छा रहेगा तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। और इसके बाद मैं किचन क्लीनिंग करने लगी थी, तो पहले काउंटर साफ़ कर लूँगी, इसके बाद फिर झाड़ू वगैरह करूँगी, पोछा वगैरह। वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही पोछा वगैरह करके नहाती हूँ, लेकिन किचन खाना बनाते टाइम गंदी हो जाती है इसलिए साफ़ करनी होती है। और आज आप मेरी साड़ी पहनना देख सकते हैं कैसी पहनी है मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी थी इसलिए मैंने फिर ऐसे ही लपेट ली थी जल्दी जल्दी में, मतलब लपेटी ही हुई है पेन वगैरह कुछ नहीं है, किसी का ब्लाउज किसी की साड़ी पर क्या कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि हाउस वाइफ को सुबह के टाइम में कितना काम होता है कि नहीं होता है, सभी को होता है, मतलब मुझे अकेले को क्या, सभी को होता है, इसलिए मैंने ऐसे ही लपेट ली थी। और बस यहाँ पे मैं किचन साफ कर लूँगी, दूध वगैरह गर्म होने के लिए रख दूँगी क्योंकि दूध वाला दूध देके चला गया है। और गर्मियों में ना
दूध इतना अच्छा नहीं लगता है, दही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको थोड़ा सा दूध गर्म करने के बाद दही जमा देती हूँ। मुझे दही बहुत पसंद है। मैंने वैसे भी आज दही वाले आलू ही बनाए हुए थे, काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। इसके बाद में किचन की सफाई हो जाने के बाद वो कर दूँगी, बर्तन वगैरह जमा दूँगी, क्योंकि जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए हैं उनको भी मुझे क्लीन करना है, सो जमा दूँ। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, 9:30 बज चुके हैं, मतलब पूरे 9:30 भी नहीं हुए हैं, थोड़ा सा टाइम है। सो मैंने कहा थोड़ी सी बातें करने के बाद ब्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि परसों से चालू है, परसों क्या 2-3 दिन से चालू है, रामनवमी वाले दिन से चालू है। सो मैं वो नहीं कर पाई और मैं रेडी होकर कहीं जा रही हूँ, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कहाँ जा रही हूँ। और देखो मंगलसूत्र टूट गया तो भाभी का पहन के आई हूँ। उस दिन भाभी ने अपना पहना दिया, कह रही थी इसको पहन लो, खाली गला अच्छा ही लगता है। और एक तरफ का मैंने बना लिया, एक तरफ का रह गया है बनाने के लिए, तो बना लूँगी। और क्योंकि पास वाली नज़र से ना इतना दिखाई नहीं देता बहुत अच्छे से, मतलब सुई में धागा वगैरह कुछ नहीं डाल पाती हूँ, पास की नज़र ख़राब हो गई है, यानी कि अंधी हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, मतलब पास का कुछ दिखाई नहीं देता है, तो अंधी ही बोलेंगे, अंधी हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। तो कल तो पता है, परसों तो पति देव भी ताना दे रहे थे, बोल रहे थे चश्मा भी लगवा दिया, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता, तो अब क्या करें, फ़ोन में तुमने आँखें फोल ली अपनी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चश्मा मुझे नज़र वाला नहीं लगा है, सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए उन्होंने लगाया था, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाती हूँ मैं, यूज करती हूँ, ब्लॉग शूट करना फिर एडिट करना काफ़ी टाइम जाता है इसमें, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि आप मोबाइल ज़्यादा यूज करती हो इसलिए आपकी आँखों में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने इस तरीके से फ़ोन वाला जो है डाला लगाया था चश्मा। लेकिन अब फिलहाल पास की नज़र भी नहीं काम कर रही है, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, सुई में धागा या कुछ भी करना। सो अब देखते हैं क्या करेंगे, है ना। तो चलो चश्मा तो लगवा लूँगी मैं, पास की नज़र वाला जाएंगी किसी दिन, जब यहाँ से फिर मैं बमीठा जाऊँगी ना, तो उन भैया की वहाँ से लगवा लूँगी, हम लोगों के रिश्तेदार हैं उनकी वहाँ से, है ना। सो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं, बाय बाय।